अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देख रहे हैं अल्ताफ मलिक यूट्यूब ऑफिशियल चैनल। आज 11 मई 2020, कुछ थोड़ी देर बाद जब तक ये वीडियो अपलोड होगी तो 12 मई हो जाएगी। तो कश्मीरी नौजवान इस वक्त, कश्मीरी नौजवान हूँ, बूढ़े हूँ, बच्चे हूँ, वो तमाम लोग इस वक्त हिंदुस्तानी फ़ौज के ख़िलाफ़ बाहर निकल आए हैं। और मोदी इस वक्त बहुत परेशान है और उनको समझ नहीं आ रही कि वो क्या करें। उन्होंने लॉकडाउन करके, कर्फ्यू लगा कर 9 महीने से कश्मीर के अंदर वो कर्फ्यू है, और उन्होंने वो कर्फ्यू लगा कर वो भी देख लिया है, और लॉकडाउन भी लगा कर उन्होंने देख लिया है, वो करके देख लिया है। और अभी जो है मोदी, उनका वज़ीर दाखला अमित शाह, और जो उनकी सलामती का वो मुशीर है अजीत डोवल साहब, उनकी मीटिंग हुई है। और मीटिंग के बाद ये एक वो कहा गया है अमित शाह की वो तरफ से कि भाई एलओसी पर जो है चेकिंग सख्त कर दी जाए, और वहाँ पर जो है भरपूर नज़र रखी जाए। क्या वो बेवकूफ़ बनाना चाह रहा है इस दुनिया को, इस वर्ल्ड को, दुनिया के मुल्कों को? वो इसलिए कि एलओसी पर तो बाढ़ है, वहाँ पर तो बाढ़ लगाई हुई है, वहाँ पर तो कोई चिड़िया पर नहीं मार सकती है। मोदी और उसके ये साथी वो क्या कहना चाहते हैं दुनिया को, क्या वो समझाना चाहते हैं कि भाई है ना, ये पाकिस्तान से कार्रवाइयाँ हो रही हैं, पाकिस्तान से ये कार्रवाइयाँ नहीं हो रही। और जब पाकिस्तान ने कार्रवाई की तो फिर दुनिया वो तमाशा वो देखेगी। और पाकिस्तान ने जब हिंदुस्तान के दो तैयारों को मार वो गिराया पिछले साल, तो दुनिया ने वो देखा। जब सूरज चढ़ता है तो दुनिया वो देखती है। इस वक्त मोदी फ्रस्ट्रेशन का शिकार है, उसकी फ़ौज जो है इसी कैफियत से वो दो चार है, उनकी पुलिस जो है वो इसी नफसियाती उसमें है, तो वो दो चार है कि वो कश्मीरी लोगों को महकूम वो बनाना चाह रहे थे। आप अंदाज़ा करें, आप ये सोचें कि 9 महीने से मुसलसल वो कर्फ्यू था वादी के अंदर, कश्मीर के अंदर 9 महीने से इतना वो कर्फ्यू लगाया वो गया, तो अब जो है वायरस की वजह से, इस बीमारी की वजह से, फिर जो है वहाँ पर जो है उनके मुजाहिदीन जो के वो शहीद हुए हैं, उनके जो है नमाज जनाजा तक नहीं होने दी गई है उनकी जो है। तो आप ये देखें, इतने जुल्म वो करने के बावजूद कश्मीरी लोग बाहर निकल आए हैं। अब वो मज़ीद आप महकूम रहना नहीं चाहते हिंदुस्तान के। अब कश्मीरी बच्चे, बूढ़े, ख़वातीन, हमारी माएँ, हमारी बहनें, नौजवान, वो सब बाहर निकल आए हैं। इसका सबूत रियाज नायकू की वो शहादत पर था। रियाज नायकू को उन्होंने अरेस्ट किया है। अरेस्ट करने के बाद जो है वो जब अपनी फैमिली से मिलने के लिए आए, ये इस्लाम में हमेशा से ये होता रहा है कि भी गद्दार वो पैदा हुए, और ये मुखबरी उन्होंने की है, अल्लाह ताला उनसे भी हिसाब देगा। लेकिन वो एक अजीम जो उनका मिशन था, और एक मुसलमान की आरज़ू होती है कि भाई वो शहादत हासिल करें, उन्होंने वो शहादत हासिल की। फिर आपने एक फ़ोटो देखा होगा कि उनको जो है पीछे से उनके हाथ बंधे हुए हैं, लेकिन जो जिन आँखों से वो अपनी आँखों से इंडियन आर्मी के लोगों को वो देख रहा है, तो आप ये अंदाज़ा लगाएं, ये सोचें कि वो शेर की जो आँखें होती हैं वैसे ही है ना, वो उनको वो देख रहा था। रियाज नायकू साहब पर ना कोई घबराहट थी, ना कुछ था, ये था एक कश्मीरी नौजवान का जो इमोशनल एक अंदाज था। तो उन्होंने फिर उनको वो शहीद किया, फिर उन्होंने ये कहा कि हमने इसको मुकाबले में वो शहीद किया, ये सब झूठ था। उनको अरेस्ट किया गया है, पहले अरेस्ट वो करने के बाद फिर उनकी जो बॉडी थी उसको जो है वो गाड़ी के पीछे वो बांध के वो खींचा वो गया है। मोदी तू जितना भी जुल्म वो कर ले, लेकिन कश्मीर की आज़ादी का सूरज जल्द ही वो तलु होने वाला है। आप इसको तलु होने से कोई नहीं रोक सकता। मोदी इस वक्त परेशान है, बहुत परेशान है, उसकी टीम परेशान है, और उसके जो दहशतगर्द
लोग आरएसएस के लोग हैं वो परेशान हैं कि भैया ना ये इनको क्या हो गया है कि हमने इतनी फौज 12 लाख फौज जो है वो 13 लाख जो फौज है वो झोंकी हुई है, पुलिस है, पैरा जो उनके वो है स्टाफ हैं वो जो सिक्योरिटी के वो लोग हैं वो झोंके हुए हैं इसमें कश्मीर की वादी में जो है, फिर भी जो है ये लोग इनके कंट्रोल में नहीं आ रहे। तो इसका ये है मतलब साफ साफ ये है कि मोदी ने कश्मीरियों को दीवार से लगाने की कोशिश की है, लेकिन कब तक? कोई एक हद तक तो जुल्म कर सकता है, लेकिन अब कश्मीरी नौजवान चाहे वो बूढ़े हों, बच्चे हों, ख्वातीन हों, अब उनका मौत से वो डर वो खौफ वो जाता रहा है। और इंशाल्लाह ये सूरज आज़ादी का सूरज जल्द ये तलू होगा और कश्मीरी जल्द आज़ादी हासिल वो करेंगे। और इस मामले में इसको वो देखते हुए मोदी कोई एडवेंचर कर सकता है? मोदी अगर आपने एडवेंचर किया तो फरवरी का पिछले साल का आपको तो याद है ना, अभिनंदन जो है मूछों वाली सरकार आपकी जो थी, हमने उनको मेहमान वो बनाया था, उसको चाय वो पिलाई थी, आपको याद है ना? तो याद रखना कि हम फिर जो है ऐसा जवाब देते हैं कि ऐसा फिर मारते हैं, फिर रोने भी नहीं वो देते हैं, फिर चीखने भी नहीं वो देते हैं, फिर हमारी जो चाय में ताकत है, हमारी जो चाय में पावर है, तो वो आप हमारे वो देख चुके हो, दुनिया हमारी वो पावर देख चुकी है। तो अगर मोदी ने कोई एडवेंचर करने की कोशिश की तो पाकिस्तान इसका मुंह तोड़ जवाब देगा। और इस वक्त कश्मीरी नौजवान तमाम लोग वो बाहर निकले हुए हैं। आप ये सोचें कि जब रियाज नेकू को शहीद किया गया तो आप ये सोचें कि वो लोग बाहर निकल आए, उन्होंने खौफ ये फैलाया, वो कर्फ्यू लगाया, फिर उनकी फौज उनकी पुलिस बख्तरबंद गाड़ियाँ छोड़कर भाग गए और उन बख्तरबंद गाड़ियों पर वहाँ के कश्मीरी नौजवान चढ़ गए। तो ये शिकस्त है मोदी की, ये हिंदुस्तान की शिकस्त है। मोदी और हिंदुस्तान के ये पिल्ले कश्मीरियों को जो है शिकस्त नहीं दे सकते। कश्मीरी जो है इस वक्त आज़ादी की जंग लड़ रहे हैं, उनका मौत का खौफ, उनका किसी किस्म का खौफ, किसी चीज़ का डर आप उन्होंने कबूल वो करने से इनकार वो कर दिया। अब उनके जहनों में डर था, जो खौफ था वो अब वो ख़त्म हो गया है। तो मोदी ने जो जुल्म सितम ढाए हैं, आप 9 महीने से लगातार मुसलसल वो कर्फ्यू दुनिया की तारीख में कहीं भी नहीं, ठीक है, फिर उसके वो बाद ये जो बीमारी आई है इसके उससे जो है लॉकडाउन, तू कितना भी जुल्म कर ले मोदी तेरा वक्त अब वो करीब है। इंशाल्लाह कश्मीरी जो है आज़ादी उनका मुकद्दर है, आज़ादी उनका मुकद्दर है, आज़ादी उनका मुकद्दर है, और जल्द ही उनकी आज़ादी का सूरज वो तलू होने वाला है। मेरे इसको चैनल को सब्सक्राइब वो करें और इन्होंने नहीं किया है, और वीडियो अगर आपको वो पसंद आई है तो इसको लाइक शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा, और अपने राय का इजहार कमेंट्स में भी करें, और जो है बेल आइकन को आप वो प्रेस कर दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।